तो हमारा घर बार सारा बरसात में दरबदर हो गया था। इस वजह से ये छोटा सा रोजगार शुरू किया है। मेरा नाम आशिक मोहम्मद है, मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ। मैं तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए मैं हैदराबाद से आया हुआ हूँ। अब ये मकई है, इसके हम दाने उतारते हैं। दाने उतारने के बाद फिर हम उसको पकाते हैं। ये पैकेट है, कोई 20 रुपए की लेता है, कोई 10 की लेता है, कोई 50 की लेता है, हर को अपनी मर्जी वाला। उसके बाद ये मसाला है, ये इस्तेमाल करते हैं। नींबू लेकर आते हैं मंडी से, मतलब ये समझो कि मैं तो यही समझता हूँ कि अगर 500 रुपया भी हमारे को रोज़ाना बच जाए ना, हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है। कि अभी क्या करें और किसको बताएं अपने दिल का हाल, बस अल्लाह ही पूरी करने वाला है। हमारे घर बार बरसातों में सलाम में गिर गए थे सारे, नहीं तो मैं कभी भी कराची नहीं आया था। तो इधर अभी मेरे साले रहते हैं, ये अजीज भट्टी पारक की बैक साइड पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, 3-4 हज़ार रुपये महीना उसका। उसमें पानी खुद लेकर आते हैं, लकड़ियाँ, बिजली का सबका खर्चा हमारे ऊपर है। और उसके बाद मेरे को 3 से 4 महीने हो गए इस काम में। तो अभी हैदराबाद से आया था, पहले मैं भट्टे का मजदूर था। भट्टे पर जो ईंटें निकालते हैं वो उधर से बरसात में वजह से भट्टे पानी के भरे पड़े हैं, कोई आने जाने की रास्ता नहीं था। जैसे इधर आए, किराया भी रिश्तेदारों ने भरा था, उनको अभी थोड़े थोड़े करके दे रहा हूँ। तो हमारे पास ऊपर ओढ़ने के लिए, सर्दियों के लिए कंबल भी नहीं है। इतने परेशान हैं अभी, क्या करें, किसको बोलें। ये दाने निकालते हैं हम, ये मंडी से लेकर आते हैं मकई। उसमें से आप देखें, कोई मकई तो ऐसी है उसका दाना नहीं उतर सकता। अब इसको कौन लेगा बताओ। यही हमारे कंडम में इस्तेमाल हो जाता है, बस कोई ले या नहीं ले। हमारे घर तो वजन के हिसाब से मिलती है। अब ये काफ़ी आप देखें, इसमें से ये दाने ऐसे हैं जो उतरने वाले भी नहीं। अब बताओ कि कौन लेगा हमारे से। यही सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपये भी बच जाए ना, हमारे लिए गनीमत। घर में मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, और एक मियाँ बीबी हमें और एक मेरे बच्चे की घरवाली है, बहू है मेरी। हम 10 अफराद हैं घर के। गुब्बारे बेचता है, कोई दिहाड़ी पे चला जाता, कभी दिहाड़ी लग जाता, स्कूल कोई भी नहीं जाता। मैं कहाँ से पढ़ाऊँ बताओ, इतने पैसे ही नहीं थे, इतने इतने महंगे स्कूल है, एडमिशन और दाखिले के लिए भी 10-20 हज़ार रुपये चाहिए, मैं कहाँ से लाऊँ। भाई मैं तो गवर्नमेंट से ये इल्तजा करता हूँ, हमारे नज़दीक, हालांकि गवर्नमेंट को जहाँ ज़रूरत होती है पैसा खर्च करने की या जगह स्कूल बनाने की, वहाँ नहीं बनाते। अभी इधर आप देखो, कम से कम हज़ारों की तादाद में बच्चे बगैर तालीम के घूम फिर रहे हैं। अब ये हज़ारों बच्चों के बीच में अगर स्कूल होगा तो आपको पता है कि बच्चे तालीम हासिल करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अब इस चीज़ पे गवर्नमेंट की तवज्जो ही नहीं है। और कोई कराची वालों से कोई मदद भाई देखो ना, मेरी बात सुनो, मैं तो यही बोलता हूँ, हम मुसलमान हो के हम किसी मुसलमान के आगे भीख मांगे, हमारे ये दीन में हमारे को इजाज़त नहीं देता। लेकिन खुद देखें, किसी के पड़ोसी के हालात पर रहम खाएं, अल्लाह ने उनको दिया हुआ है तो वो हमारे हाल पे भी रहम खाएं। हमारे जैसे ना जाने कितने गरीब मुसलमान ऐसे हैं जो बेचारे परेशान और तंग बेरोजगार हैं। इस भट्टी पार्क के सामने कैसर फाउंडेशन हॉस्पिटल है, मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ 5 बजे से लेकर 10-11 बजे तक। अगर कोई मदद करना चाहे तो मैं अपना नंबर भाई को दे देता हूँ, 0312-3235-550।